के सामने हाजिर होते हैं। तो ठीक उसी तरह आज भी हमारे साथ बिहार के एक बेहतरीन लीडर आप सभी को ट्रेनिंग देने के लिए आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी आज का जो जूम मीटिंग का लिंक है वो अपने हर प्रत्येक ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, और डीएक्शन का जितना भी ग्रुप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इस मीटिंग का लाभ ले सकें। आगे बढ़ते हुए हम एक प्रमोशन आया है जिसके बारे में 2 मिनट आपसे हम समय लेंगे। ये प्रमोशन है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक चलेगा, यानी 5 दिन यह प्रमोशन चलेगा। इस प्रमोशन का जो मुख्य उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोग फर्स्ट वीक में क्वालिफाई करें, जो भी स्टेटस वो हासिल करना चाहते हैं वो उसमें वो अपना स्टेटस हासिल करें और इंक्रीज करें अपने ग्रुप के लोगों को कि फर्स्ट वीक में ही ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पर्सनल पीवी जो होता है उसको कंप्लीट करें। इसमें इस प्रमोशन में दो श्रेणी रखा गया है। पहला जो श्रेणी है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, स्टार एजेंट, स्टार रूबी के लिए। जो लोग इस 5 दिनों के अंदर 3,500 पीवी कंप्लीट करते हैं, कम से कम 3,500 पीवी अगर कंप्लीट करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस प्रमोशन के लिए, आप क्वालिफाई करने के लिए। और जितने टॉप 3 जिन लोगों का पीवी होगा उनको सिलेक्ट किया जाएगा, चयन किया जाएगा और उसी आधार पे उनको कंपनी के तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। सेकेंड जो श्रेणी है वो है हमारा क्वालिफायर डायमंड्स के लिए, जितने भी डायमंड्स एंड एबव हैं उन सभी के लिए। उनका जो श्रेणी 2 का जो शर्त है वो है अगर उनका डीजीपी भी जो टॉप 3 लीडर्स होंगे उन लोगों को चयनित किया जाएगा और उनको भी कंपनी के द्वारा एक बहुत ही शानदार आकर्षक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक मार्केटिंग प्लान से संबंधित क्विज होगा जिसमें कुछ सवाल आप लोगों को दिया जाएगा, अगर उसमें सही सही आप अगर जवाब देते हैं तो आपको भी आकर्षक उसमें इनाम दिया जाएगा। ये हमारा प्रमोशन है, ये 5 दिन तक चलेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है इस प्रमोशन को अपने अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना है, बताना है और अपने जितना भी सोशल मीडिया है आप उस पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रमोशन को लेके अवेयर हो सके। आगे बढ़ते हुए एक चीज और, एक तरफ और आप लोगों का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। गर्मी का सीजन आने वाला है, अप्रैल स्टार्ट हो गया और गर्मी के मौसम के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बेवरेज है जो हम गर्मी में उसको लेते हैं। अभी हमारा हमारे पास एक बेहतरीन बेवरेज है जिसका नाम है कोम्बुचा। आप सभी को पता होगा ये बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा डिएक्शन का, और इसका जो बेनिफिट है वो हमारे पेट के लिए, हमारे गट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि डिएक्शन कोम्बुचा को आप लोग यूज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। पॉसिबल है तो अपने घर में इसको फ्रिज में रख सकते हैं, अगर कोई गेस्ट आए तो उसको आप सर्व कर सकते हैं ठंडा, जो हम लोग बाहर से जो कोल्ड ड्रिंक लाते हैं तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कोम्बुचा के द्वारा। तो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है गर्मी के मौसम के लिए खास तौर पे, और इसको इसी से आप अपना पीवी भी कर सकते हैं। इसमें ऑफर भी अभी हमारा चल रहा है फ्लाई टू थाईलैंड, तो उसमें भी ये कंबाइंड है। तो ये हमारा छोटा सा अपडेट था और अब हम आमंत्रित करते हैं आज के हमारे स्पीकर, हमारे ट्रेनर पंकज लाल सर को। ये बिहार से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हमारे समक्ष आए और आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर अपना मीटिंग करेंगे। उम्मीद है कि हमारा जो आज का सेशन होगा वो काफी बेहतरीन होगा।
तो जितने भी हमारे श्रोता हमारे व्यूवर इससे जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी इस सेशन को ध्यान पूर्वक देखें और अपने टीम के साथ इसको साझा करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है सर आपका आज के इस मीटिंग में। ओवर टू यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि फिर से एक बार दोपहर के समय में हम लोगों को एक साथ होकर के सुनने और सीखने का मौका मिला है। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले ऊपर वाला को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने ये खूबसूरत सा जीवन दिया, और इस जीवन में इंसान के रूप में डीएक्शन जैसे बिजनेस करने का मौका दिया। तो इसके लिए मैं ऊपर वाला को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ हमारे फाउंडर दातो डॉक्टर लिम श्यो जी, जिनके बारे में हम जो कुछ भी कहें कम है, क्योंकि डॉक्टर लिम के बारे में अगर ये कहा जा सकता है कि जहां पूरी दुनिया एक तरफ विनाश के कगार पर जा रहा था, दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, बीमारी से लड़ने वाली समस्या हो, इन समस्याओं में लोग उलझता चला जा रहा है, जूझता चला जा रहा है, और इन समस्याओं को निदान के लिए बहुत दूरी के रूप में डॉक्टर लीम ने इन चीजों को सोचा। इसलिए डॉक्टर लीम को महामानव कहा जाता है, और डॉक्टर लीम के एज ए सीधा सा अगर हम बात करें डॉक्टर लीम की, तो ये स्वास्थ्य के गुरु भी कह सकते हैं, स्वास्थ्य के जनक भी कह सकते हैं। ये बहुत सारी चीज है जो डॉक्टर लीम के बारे में कहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि एक वैज्ञानिक, ये दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। साथ साथ प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम जिन्होंने भारत देश के अंदर इस चीज को लेकर के आए हैं, और डॉक्टर एस रंजन सर जो कदम से कदम साथ मिला करके आज पूरे विश्व में डीएक्शन का झंडा को खड़ा रखने में सहयोग दिए हैं, और हमारे गुरुदेव जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। वो जहाँ है वहां से ही देख रहे होंगे के अग्रवाल सर, जिनके वजह से मैं ये समझ पाया कि डीएक्शन क्या है। शुरुआती दौर में दोस्तों मैं बता दूं, डीएक्शन के बारे में मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि बेटा एक एक इंसान की जरूरत की चीज है, एक एक घर की जरूरत की चीज है। तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, साथ साथ मेरे सभी अपलाइन जिन्होंने मुझे डीएक्शन को बताया, समझाया और आज तक टिका के रखे हैं, सभी को नमन करते हुए, कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके से 12 बजे जूम मीटिंग चला करके काफी सारे लोग व्यस्तम समय में सुबह शाम नहीं देख पाते, कुछ लोगों को दोपहर में समय मिलता है, तो कुछ न कुछ डीएक्शन की चर्चा करके लोगों को भलाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं मैनेजमेंट के सारी टीम्स को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि इतने सुंदर सेशन चलाते हैं। तो मैं पंकज लाल गया से, और आज थोड़ी सी बातें करने का ये मौका मिला है। दोस्तों मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि आपको सिखा सकता हूँ, कोई नेता भी नहीं हूँ कि भाषण दे सकता हूँ, बस थोड़ी सी अनुभव जो हमारे सामने रहा है उसी को आपके समक्ष रखने का ये मौका मिला है। दोस्तों जहां तक मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ को गुड चाहता है, एक अच्छा जीवन चाहता है, लेकिन एक अच्छा जीवन के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य तो चाहिए। जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हम किसी भी अच्छी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी पहले हम बचपन में पढ़ा करते थे, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन सच बताता हूं, उस दिन मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे स्वास्थ्य ही धन है। धन तो संपत्ति, पैसा कौड़ी रुपया जो है वो धन है, लेकिन आज समझ आता है कि नहीं, स्वास्थ्य ही धन है। एक बार इस सेहत को खो देने के बाद, एक बार इस धन को खो देने के बाद, लाख रुपया लगा लें, करोड़ों रुपया लगा लें, कभी वापस नहीं आ सकता है। अर्थात आज के इंसान पहुंच तो रहा है हॉस्पिटल, जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा इसकी फुल गारंटी है। तो जहां तक मुझे ये पता है कि आज काफी बीमारियां बढ़ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज भी मैंने देखा था कि आज 3 बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपोटेंशन, लार्जेस्ट काउंट ऑफ डेथ। क्यों और बढ़ रहा है ये बहुत तेजी से, इस बीमारियों से देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों को झेलना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। हम बात करते हैं सेहत की, तो ये WHO कह रहा है कि इस तरीके के क्यों हो रहा है, तो इसका एक ही कारण है, आज इतना जो बढ़ रहा है कचरे, इतना जो बढ़ रहा है जहर, जिसके वजह से आज कैंसर, लंग कैंसर, क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां आ रही है, और प्रत्येक वर्ष ये बढ़ता ही चला जा रहा है, और इतना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है,
कि हम और आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मेडिसिन खोज खोज करके डॉक्टर नई नई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन फिर कहाँ पहुंच पा रहे हैं, उसका निदान कहाँ हो पा रहा। एक तरफ इलाज महंगा होता चला जा रहा, एक तरफ फाइव स्टार हॉस्पिटल भी खुलता चला जा रहा, दूसरी तरफ फाइव स्टार होटल भी खुलता चला जा रहा है। हम ज्यादातर इंसान कहाँ पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जा रहा है, और पता नहीं बीमारी किसी को निमंत्रण देकर नहीं आता, न्योता देकर के नहीं आता, वो आता है दोस्तों। और आज के हिंदुस्तान का इलाज इतना महंगा है, एक तो मैं गरीब हूं, किसी तरह से अपने बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ, किसी तरह से डिग्री दिला रहा हूँ, किसी तरह से एक अच्छे सपने नहीं जीवन को काट रहा हूं, फिर ऊपर से ये तोहफा के रूप में हार्ट अटैक, बोन मैरो, लिवर में गड़बड़ी, डायबिटीज, कहां से आता है, शुरुआत कहां से होती है? पता चलता है कि इसकी शुरुआत गैस से होता है, और वो गैस से हो करके कैंसर तक पहुंच जाता है। और आज बीबीसी न्यूज के हिसाब से ये कहता है, हाल ऑफ यूके पॉपुलेशन विल गेट कैंसर इन लाइफ टाइम। आज के हमारा खान पान, आज का हमारा रहन सहन, आधी आबादी के अंदर कैंसर का बीज पल रहा होता है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम खाते हैं उसके अंदर जहर है, उसके अंदर कीटनाशक है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की रसायन है, और वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहा है। और उस सिस्टम को डैमेज होने के बावजूद हम क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आबादी ग्रसित होते चले जा रहे हैं। आज ज्यादा से ज्यादा आदमी को देखा जाए, कोरोना आया, क्या हुआ, एक कोरोना क्या किया, एक कोरोना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, घरों को बर्बाद किया। किसको लेकर के गया, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जिसका इम्यून सिस्टम डैमेज था, उसे वहां तक लेकर के चला गया। दोस्त मुझे ये जागने का वक्त है, ये समझने का वक्त है, अगर आज मैं नहीं जागूंगा ना तो कल पछताने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचेगा दोस्त। और कब तक हम सोचते रहेंगे, आज हम हॉस्पिटल तो चले जाते हैं, फिर क्या जिंदा लौट पाते हैं क्या, हॉस्पिटल तो चले जाते हैं लेकिन क्या मेरा बैंक बैलेंस बच पाता है क्या। कई बार ऐसा होता है कि पैसा भी जाता है, मेरे सेहत भी चला जाता है, लोग भी चले जाते हैं, इसकी वजह क्या है, आज इन समस्याओं का कारण क्या है। कई कारण है, आज इन कारणों की वजह से हम अपने आप को परेशान हो रहे हैं दोस्त, है क्या दिन। तो आज के इस जमाने में देखा जाए, अगर ऊपर से लेके नीचे तक हमारी शरीर की जो सेहत की जो जरूरतें हैं, जिससे हमारा शरीर की एक एक क्रियाओं को, शरीर में बामन अंग है, इस बामन अंगों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, हमारे हार्ट को नियंत्रित रखा जा सके, श्वसन क्रिया को नियंत्रित रखा जा सके, सर्कुलेशन को नियंत्रित रखा जा सके, पाचन को नियंत्रित रखा जा सके, तभी तो हमारा शरीर ठीक ठाक रहेगा। पता चलता है कि हमारे शरीर की एक एक क्रियाएं गड़बड़ाना शुरू हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। आज एक इंसान को अच्छा क्वालिटी का हवा चाहिए, लेकिन क्या अच्छा क्वालिटी का हवा मिल रहा है हमें, क्या एक इंसान की बात करते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, क्या अच्छा क्वालिटी का हवा मिल रहा है, खुद से पूछ करके देखिए जी नहीं। क्या अच्छा क्वालिटी का पानी मिल रहा है, आज अभी सर्वे बताता है प्रत्येक साल मेजर सिटियों में लंग कैंसर का प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है, सिंपली बिकॉज ऑफ एयर, हवा में पोल्यूशन इतने बढ़ रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए ना, आज हमारे घरों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में साइकिल की संख्या कम होती चली जा रही है, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ता चला जा रहा है, सड़कों की चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है, शहरों में इस पार से उस पार जाने में रंग देखना पड़ता है तब जाकर के हम पार करते हैं, वो जितनी भी गाड़ियां चलती है हवा निकाल रहा है, वो उस हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, जो हमारे कहीं कहीं सांस के रूप में फेफड़े के ऊपर जाकर के नुकसान पहुंचा रहा है। क्या लंग कैंसर का प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज जरा सा गौर से सोचने की जरूरत है। आने वाले जो हमारे जनरेशन होगा 10 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद, 25 वर्षों के बाद, उसके साथ क्या होगा दोस्त, कैसा हवा वो ले पाएंगे। दूसरी चीज पानी की बात करें, आज लगाते हैं आरओ, कहते मैं एकदम स्वस्थ हूँ, बोतल का पानी पीता हूँ, अरे भैया जिंदगी तो बोतल पर ही शुरू होती है, अब बोतल से खत्म हो जाती है, जब बचपन में था छोटा बोतल, बड़ा हुए 10 बरस 12 बरस के तो पेप्सी कोको कोला के बोतल, और बड़ा हुए तो वो वाला बोतल, और लास्ट में सब कुछ जब ठीक हो गए तो लास्ट में लटक गया उल्टी वाला बोतल, और लास्ट में सीधा बोतल, सब बोतल सीधा रहता है, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोतल उल्टा हो जाता है, थोड़ा गौर करके सोचिएगा इन चीजों पर, अब उल्टा बोतल हम लोगों को लेकर के चला जाता है।
कई बार हम लौट नहीं पाते, पानी की खराबी, यहां तक कि ये बताया जा रहा कि माता के दूध में खराबी, कैसे हम अपने आप को बचा पाएंगे। आज फूड की बात नहीं किया जा सके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तो मुझे सब कुछ पता है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, चाहे फल हो चाहे सब्जियां हो, सबके अंदर कीटनाशक है, सबके अंदर जहर है, सबके अंदर रसायन है जो हमारे बॉडी के सिस्टम को डैमेज कर रहा है, और जिसके वजह से आज हमारे सपने अधूरा रह जा रहा है। आज लोग चाहते हैं अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा पढ़ाई, सब कुछ अच्छा, लेकिन हो क्या जा रहा, कहीं कहीं हम सेहत के चक्कर में फंस जा रहे हैं। किसी को डायबिटीज है तो किसी को ब्लड प्रेशर है तो किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है। भाई मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, और हमारे महान फाउंडर डॉक्टर डॉक्टर हिम सियो जिन ने इन चीजों को इतना दूर से देखा, इतना दूर से पहचाना कि आज एक एक इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीएक्सन जैसी कंपनी का स्थापना किया, और उन्होंने ये बताया जाए कि एक इंसान को अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा हवा चाहिए, लेकिन ये कहाँ मिल रहा है, तो पता चलता है कि कैसे मिलेगा। तो ये हवा को हम कम नहीं कर सकते, मोबाइल जो जहर के रूप में आ जा रहा है, इसका पोल्यूशन हमारे बॉडी में रेडिएशन पैदा कर रहा है, ये कई तरह की बीमारियां पैदा कर रही है, और इतनी तरह की बीमारियां पैदा कर रही है कि हम और आप अगर सोचे तो ये सबसे पहले तो कचरे जाना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, करते 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 पूरी सिस्टम डैमेज कर देता है, और हमारे शरीर के अंदर ये तब तक पता नहीं चलता है जब तक बीमारी का लेवल नहीं लगता। लेकिन जिस दिन, उसके पहले हम मरीज मानने को तैयार नहीं है। आज अगर लोगों को समझाता हूँ कि भैया हवा में जहर है, पानी में जहर है, खाना में जहर है, तो लोग कहते हैं हाँ हाँ बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर है देखा जाएगा, अरे वो तो बैठे ही हैं, आज के डॉक्टर डॉक्टर्स नहीं है, पहले के डॉक्टर से परिभाषा अलग था, वो डॉक्टर का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आज तो एक लाइन में अगर समझे तो वैद्यराज नमस्तोभ्यम, जमराज सहोदरा, हे वैद्यराज मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप तो जमराज के सहोदर भाई हैं, यहाँ तक के लोग पहुंच गए। इसके लाइन, अगली लाइन नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये सच है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये क्या सच है। हाँ सच है, आज लोगों को डरा दिया जा रहा है, बहुत सारी माताएं और बहनें अपने बच्चे के जन्म के समय में नॉर्मल हो सकता था लेकिन उसे सिजेरियन कर दिया जा रहा है डरा धमका करके। मैंने बहुत सारे लोगों को इतना करीब से जानता हूँ जो इस तरीके के धंधे कर रहे हैं, फिर क्या हमें जागने और बचने की जरूरत नहीं, हमें समझने की जरूरत नहीं, हम आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, जब सब सब मेरा खो ही जाएगा तो फिर जाग के क्या करूंगा। इसके लिए ना हम हवा बदल सकते हैं, ना पानी बदल सकते हैं, खाना बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं, खान पान में अच्छी हैबिट को आकर के हम अपनी खुशहाली ला सकते हैं, और कहा जाए तो इन सारी चीजों को खुशहाली में बदलने के लिए डीएक्शन प्रोडक्ट आता है। अब डीएक्शन प्रोडक्ट में कौन सी खुशियां, आजकल जो चैप्टर है मुझे मिला है कि डीएक्शन प्रोडक्ट हर की जरूरत है कैसे, तो डीएक्शन प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी खूबी है कि दुनिया का एक एक इंसान, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हाउस वाइफ हो, टेम्पू चलाने वाला हो, जहाज उड़ाने वाला हो, दुनिया में जितने भी लोग हैं एक एक इंसान की जरूरत है, भले आज वो समझ नहीं पा रहे बात अलग है, हम समझा नहीं पा रहे बात अलग है, लेकिन उसकी नीड है, दिख नहीं रहा। अब वो लाल रंग का चश्मा पहन के पूरी दुनिया लाल दिख रहा है, हरा रंग का चश्मा पहन के पूरी दुनिया हरा दिख रहा है, लेकिन नेचुरली सच तो क्या है, वो हमारे फाउंडर डॉक्टर डॉक्टर लीम को देख रहा है, मुस्कुरा दीजिए जहां है उनके लिए आप, और वो डॉक्टर डॉक्टर लीम सियोजिन एक ऐसी खूबसूरत अनमोल जड़ी बूटियों का राजा जिसका नाम है गैनोड्रमा नुसीलियम, मैं भी इसे नमन करता हूँ, इस गैनोड्रमा का उन्होंने खोज किया। गैनोड्रमा के बारे में अगर हम सीधा सा बात करें कि गैनोड्रमा है क्या, तो गैनोड्रमा के बारे में इस तरीके से आप छोटी सी संक्षेप में समझने का कोशिश करेंगे कि प्रकृति का अनमोल स्वास्थ्य का खजाना है। अगर सिंपल सी शब्दों में हम इसे कहें तो कि प्रकृति का अनमोल स्वास्थ्य का खजाना है, इसका वैज्ञानिक नाम गैनोड्रमा लुसीडियम है, चीन में इसे लिंगजी कहते हैं, जापान में इसे रेशी कहते हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह एक खास किस्म का मशरूम है, मशरूम की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें इस खास मशरूम के बारे में वो सारे गुण पाए जाते हैं जिसकी आज हमें आवश्यकता है, यहां तक कि सुनने में मिला है और कई किताबों में ये देखने को भी मिला है कि चीन में अमर तत्व की देवी रेसी के हाथ में गैनोड्रमा पाया गया। चीन में एक, चाइना में एक देवी होती है, उसे सेन हॉरर क्लासिक बुक में ये लिखा है, जिसको लोग हजारों वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हैं। भाई ऐसे ही बिना गुण का कोई पूजा करेगा क्या,
चीज को कोई ऐसा ही नहीं पूछता है, यानी इसके अंदर गुण है, कुछ तो है गुण, अब क्या गुण है। तो इसके बारे में अगर ये बताया जाए, यूनोड्रोमा के छोटी सी तत्व को मैं समझने का कोशिश करता हूँ। ऋग्वेद में लिखा है कि जो पहले देवी देवता लोग सोमरस जो बना करके पिया करते थे, वो इसी गैनोड्रोमा से लिया। जापान में लिखा है कि अमरत्व प्रदान करने वाली जड़ी बूटी है। कोरिया में लिखा है कि दीर्घायु प्रदान करने वाली, वाह, इसको लेने से दीर्घायु, लंबी आयु हो जाती है। चीन की आर्जुवेद पुस्तक सेन और हलवल क्लासिक में देवताओं की जड़ी बूटी बताया गया है। आर्जुवेद के ग्रंथ आर्जाभिषेक में इसे बनाकर के ईश्वर ने चातुर का प्रदर्शन दिया और अपनी शक्ति का परिचय दिया है। अब इतनी चमत्कारी हर्ब है, जरा सा सोचिए, ये सब कौन से रिसर्च, ये बहुत पहले से है, डॉक्टर लीम के रिसर्च के पहले से, ये पुराने किताबों में है, लेकिन नजर किसी को जा नहीं रहा। धन है हमारे महान फाउंडर दातो डॉक्टर लीम सियोनी। तो उन्होंने गैनोड्रोमा जैसी प्रजाति पर रिसर्च करना शुरू किया। 10 वर्षों तक लगातार रिसर्च कर करके उन्होंने ये पाया कि गैनोड्रोमा एक ऐसी जड़ी बूटियों का महाराजा है जो शरीर के कोशिका स्तर पर काम करता है। हमारे शरीर कोशिकाओं का जाल है, सब लोग जानते हैं, और इस शरीर की कोशिका स्तर पर काम करता है। ये कोशिका स्तर को क्या करता है? सबसे पहला, इसका मूल रूप में तीन ही काम है। आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, लेकिन इसके अंदर तीन काम बड़ी जबरदस्त है। पहला काम, शरीर से जहरीले पदार्थों की सफाई करता है। कैसे करता है? शरीर में सर के बाल से पैर के नाखून तक झाड़ू मारने का काम करता है। पसीना के जरिए, पेशाब के जरिए, लैट्रिन और थूक खार के जरिए शरीर से कचरे को बाहर निकालता है, क्योंकि तो ऊपर वाले ने तो कचरे निकलने का रास्ता दिया ही है। उसी में क्या करता है, सपोर्ट करके तेज कर देता है। जो हवा से जहर जा रहा, पानी से जहर जा रहा, खाना से जहर जा रहा, उस जहर को बाहर निकालने में काम करता है, ताकि हमारे शरीर में विषैले पदार्थों की संख्या कम हो सके। दूसरा सबसे जरूरी काम ही करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करता है, रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत करता है। सीधा सा आप कह सकते हैं कि हमारा चौकीदार को मजबूत करता है, दरवाजे के बॉडीगार्ड को मजबूत करता है, और जब बॉडीगार्ड मजबूत होगा तब बॉडी के अंदर हेल्प आएगा कोई। तो शरीर की बॉडीगार्ड, रोगों से लड़ने की ताकत, जिसे हम कोरोना में सीख गए, इम्यूनिटी, ह्यूमन सिस्टम। तीसरा काम, दिमाग को ताकत देता है और पूरी शरीर को संतुलन प्रदान करता है। दोस्तों जरा सा सोचने की जरूरत है कि ये तीन चीज जाकर के एक जड़ी बूटी जब शरीर में कर दे, तो फिर ये क्या चमत्कारी हर्ब नहीं कर सकते? ये किसी को नहीं पहचानता, केवल सेल को पहचानता है। अब जरा सा सोच के देखिए, अमीर में सेल होता है कि नहीं, गरीब में सेल होता है कि नहीं, अनपढ़ आदमी में सेल होता है कि नहीं, पढ़ल आदमी में सेल होता है कि नहीं, आज जो बच्चा पैदा ले रहा है उसको में सेल होता है कि नहीं? पता चलता है कि दुनिया के हर जीव जंतु में सेल होता है। तो कहीं इंसान खाएगा तो खाली इंसान को फायदा करेगा? जी नहीं, जो खाएगा उसको फायदा करेगा, चाहे इंसान हो चाहे कोई पशु पक्षी हो, जो खाएगा उसको फायदा करेगा। अब इतनी चमत्कारी जड़ी बूटी, हाँ जी, एकदम अद्भुत है, जबरदस्त है। और बता दूं, अगर इसके बारे में ये कहा जाता था, यूरोप के एक शोध में ये बताया गया है कि यूरोपीय शोधकर्ता ने ये बताया कि प्राचीन भारतीय साहित्य के वेदों में इसके बारे में काफी पुराने, जब वहां का एक सोम डिवाइन ऑफ ऑलमिटी करके पुस्तक है यूरोप में, वहां जाकर के ये मिलता है। अर्थात ये बहुत पहले से ही राजा महाराजा इसको इस्तेमाल किया करते थे। यहां तक कि ये कहा जाता था पुराने जमाने में कि पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, इसी का सूप पी करके अपने आप को मजबूत और जबरदस्त बनाया करते थे। दोस्त, आज इस गैनोड्रोमा की चर्चा अगर करूं, मुझे उतना तो, मुझे डॉक्टर तो मैं नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा मैं कर रहा हूं, मानव जाति को जानते हुए 5,000 सालों से ज्यादा हो गया। इसी वजह से आज विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। आर्जुवेद एवं ट्रेडिशनल चाइनीज में मेडिसिन में भी इसका जिक्र आया है, और पिछले 100 सालों से मेडिसिनल गुण और सेंटेटिक प्रभाव के कारण छोटे छोटे कई जगहों पर पुष्टि की गई थी, लेकिन आम जगहों पर यह पहुंचाया नहीं गया था। धन्य है हमारे डॉक्टर डॉक्टर लीम सियोजिन, इन सभी तथ्यों को एक जगह पर जमा कर करके इस गैनोड्रोमा की खासियत को आम जगहों तक पहुंचाने की कोशिश की है। गैनोड्रोमा के बारे में एक खास रिसर्च ये बताया है कि गैनोड्रोमा, आज जो हमारा ये जो मोबाइल है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, आज बच्चे का दुश्मन है, हमला हमारा दुश्मन है, हमारी एक एक सेल का दुश्मन है, क्योंकि रेडिएशन पैदा कर रहा है। लेकिन इस गैनोड्रोमा के अंदर एक ऐसी ताकत है
प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन, ये कहता, हम नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर के जनार्दन का ये एक रिसर्च बोलता है कि रेडिएशन से बचाने की ताकत इसके अंदर पाया जाता है। किसको? रखने से है जी? नहीं, इसका सेवन करने से। यहां तक है कि बताया है, एक रिसर्च है अमेरिका का, बहुत बड़ा रिसर्च है, डॉक्टर फुकुंग मरीशी को एमडी पीएचडी का रिसर्च है, दी लाइलिंग कोनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिसर्च में आया है कि अमेरिका, ये अगर लगातार लिया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव कैंसर के सेल को भी नॉर्मल बनाने का काम करता है। हम नहीं बोल रहे हैं दोस्त, ये रिसर्च बोलता है, एक ऐसा रिसर्च सेंटर जिसे बहुत सारा नोबेल प्राइज मिल चुका है, उसका कहना है कि गेनोड्रोमा के अंदर इतनी ताकत है। और अगर बातें करें, एक और रिसर्च है इसके बारे में, टेक्सास यूनिवर्सिटी का कहना है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, कि इसके अंदर सूजन और जलन को भी कम करने की ताकत है, और अगर पहले से लिया जाए तो बॉडी के अंदर सूजन है, जलन है, उसको नॉर्मल बनाने में मदद करेगा। रॉयल मेडिकल सोसाइटी, जो तीन देशों की एक संस्था है, वो कहता है कि गेनोड्रोमा एडेप्टोजोन की श्रेणी में, जिस तरीके से हल्दी तुलसी एडेप्टोजोन है, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, बच्चा लेगा कि नहीं, अंग्रेजी दवाई के साथ लेगा कि नहीं, होम्योपैथी लेगा, अरे भैया कोई भी ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी अंगों तक सीमित नहीं है, हम एक अंग के लिए लेते हैं पूरे बॉडी को नॉर्मल करता है, और संपूर्ण शरीर की सामान्य बनाने की क्षमता हमारा गैनोडर्मा लुसिडियम रखता है। आप जरा सा सोचिए कितनी अद्भुत चमत्कारी है, और ये इतनी चमत्कारी है जिसको सेवन अगर हर इंसान करे तो क्या इसकी जरूरत हर इंसान को है कि नहीं? ये तो मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, अगर डिएक्शन प्रोडक्ट की बातें किया जाए तो काफी प्रोडक्ट है डिएक्शन के बारे में, मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तब मैंने भी सोचा, डॉक्टर लीम ने भी सोचा, इसकी जरूरत हर इंसान को है, और आज हमारे देश के अंदर एक आदत लगी हुई है दोस्त, हर इंसान को चाय पीने की, भरपूर चाय पीते हैं, इतना चाय पीते हैं ना इसका कोई गता कम नहीं है, चाय पी पी करके कुछ सोचते तक नहीं है, इससे क्या हो, वो भी दूर वाली चाय, जरा सा सोचिए आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको क्या मिल रहा है, गिफ्ट में मिलता है गैस, कब्जियत, एसिडिटी, भूख कम होना, लीवर खराब होना, हाँ जी ये सब मिलते हैं बाजार की और गिफ्ट वाली चाय। लेकिन दोस्त, दैनिक भास्कर कहता है, ये रिसर्च कहता है कि अगर ग्रीन टी और बेहतर शुद्ध चाय पिया जाए ना, तो हमारे शरीर के अंदर जो आज गैस्ट्रिक और स्ट्रोक की समस्या आ रही है उससे बचाने में मदद करता है। जागरण का एक रिपोर्ट कहता है कि चाय को कंटिन्यू पिया जाए, लेकिन हाँ ग्रीन टी और गुड क्वालिटी की चाय, वो कचरे वाली चाय नहीं जिसके लकड़ी, जिसके अंदर लकड़ी की कुन्नी मिलाया हुआ है, राइस मिल का भूसी मिलाया हुआ है, रंग मिलाया हुआ है, और कई केमिकल्स, वो चाय नहीं, गुड क्वालिटी की बगान की चाय, तो वजन भी कम करता है। इसके अलावा चाय पीकर के महिलाएं दिल के रोगों से बच सकते हैं, हार्ट अटैक के खतरा को 50% कम करता है, इतने कुछ चाय में गुण है, और अगर इस चाय के अंदर हमारा अद्भुत चमत्कार आगे बढ़ते हैं जागरण और भी मिला दिया जाए तो फिर कितना बढ़िया चाय हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आज हमारी जरूरत है वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो हमारी जरूरत नहीं है, आज हर इंसान की जरूरत क्या है, उत्तम क्वालिटी की चाय, कौन नहीं चाहता कि बढ़िया क्वालिटी का चाय मिले, बढ़िया टेस्ट, इतना अच्छा कि एक बार पी ले तो दोबारा फिर पीने का मन करे, और तीसरा स्वास्थ्य लाभ, चाय अगर इस तरीके का मिल जाए मजा आएगा कि नहीं आएगा, जरा सा सोच करके देखिए ये चाय कहाँ मिलता है, और हमारे चाय के अंदर अगर हम बातें करें तो 400 प्रकार के गुण पाया जाता है, चाय के अंदर 400 प्रकार के विटामिन है, एकदम सिंपल भाषा में लोगों से बात कीजिए, हमारे चाय के अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा खींचने की ताकत है, चाय के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने की ताकत है, और चाय पीने से हजारों हजार प्रॉब्लम से बचाने में सहायता करता है। क्या ये डिएक्शन वाली चाय हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये बेहतरीन चाय है गैनोड्रोमा के कम्बिनेशन वाला, इस चाय को पी करके आज हम बेनिफिट फ्रॉम हेड टू टॉय, सर के बाल से पैर के नाखून तक लाभ ले सकते हैं, अंदाजा लगाइए कि ये चाय कितना खूबसूरत होगा, और ये चाय पीने वाले तो कितना खूबसूरत बना देगा, ऊपर से आप खूबसूरत कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन जब चाय पी
हैं भीतर से खूबसूरत बना देगा, इसके अंगों को मजबूत बना देगा, अर्थात इसको कौन कौन सा लाभ मिलेगा, भरपूर ताजगी मिलेगी, भरपूर चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती मिलेगी, गैस कब्जियत खत्म हो जाएगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगा, हाँ जी भूख बढ़ जाएगा, दिल की बीमारी से बचाव करेगा, कैंसर के सेल रोज रोज इम्यूनिटी खराब होने के कारण, ये रेडिएशन के कारण जो बढ़ रहा था उससे भी बचाव करने में मदद करेगा, कंटिन्यू 2 लीटर 3 लीटर चाय पीने से मोटापा भी कम करेगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी मजबूत करेगा, और सबसे खूबसूरती बात तो ये है इन सारी चीजों के होने के बाद बुढ़ापा देर से आएगा, अगर आप लंबे समय तक निरोग जीवन जीना चाहते हैं, लंबे समय तक बेहतर और लाजवाब जीवन जीना चाहते हैं तो डीएक्शन चाय पीने की आदत डालिए। अब जरा सा सोचिए कि क्या ये डीएक्शन चाय एक आदमी की जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है, हाँ जी यह चाय बच्चे भी पी सकते हैं, बुजुर्ग पी सकते हैं, महिलाएं पी सकती हैं और गर्भवती माताएं भी पी सकती हैं, एक दिन का बच्चा जो जन्म लिया वो भी पी सकता है। आप सोच करके देखिए, अगर हम इसकी मार्केट की बातें करें, क्या एक के घर में यह चाय नहीं जा सकता है, आप अपने इलाका में 20 लोगों को खड़ा कीजिए, 20 कस्टमर कंज्यूमर बनाइए, अरे चाय के बारे में तो मैं कहता हूं एक लाइन में, हो सकता है पहला बार मेरा दवाओं से ले लेगा, हो सकता है मेरी बातों में आकर के पहला बार ले लेगा, लेकिन दोबारा जब चाय अंदर जाता है ना दोस्त, चाय बोलता है मेरा पी, ये चाय नहीं है ये चाहत है। आज कई लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूं कि चाय बड़ा महंगा है, महंगा है, कहां मिलेगा यार 450 रुपए में 400 कप बनाने वाली चाय, 1 रुपये कप मिलकर के आज इतना फायदा देने वाली चाय, कहता नहीं, बात तो अलग है लेकिन फिर भी बड़ी महंगा है। दोस्त आपको चाय की समझ नहीं आई, डीएक्शन प्रोडक्ट की समझ नहीं, मैं तो एक ही लाइन बोलता हूँ कि ना चाय सस्ता है ना महंगा है, ना हमारा डीएक्शन का चाय सस्ता है ना महंगा है, बल्कि ये जिंदगी बदलने का रास्ता है, इस चाय से लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग पी पी करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया, अच्छा हजारों घर में उजाला आया और लाखों लोग पी करके स्वस्थ तो हुए ही हुए, अपने लोगों को बचा के तो बचाए ही बचाए, लेकिन पता नहीं कितने घरों के पॉकेट कैंसर की बीमारी दूर हो गई, जो सबसे खतरनाक बीमारी था पॉकेट कैंसर। जरा सा सोचिए क्या इसकी जरूरत हर आदमी को है कि एक आदमी की जरूरत है, एक एक इंसान की इसकी जरूरत है। अब सवाल आता है कि और कौन सी प्रोडक्ट है रिएक्शन का, तो बहुत सारी प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत के बारे में अगर हम बात करें, एक एक प्रोडक्ट के बारे में इसकी चर्चा हम कर सकते हैं, और आज हम एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, समय तो खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी एक प्रोडक्ट के बारे में बात हम करूंगा अभी। शरीर चाय पीने से क्लीन हो गया क्योंकि गैनोड्रोम आ गया, और जिसको ज्यादा ताकत है वो गैनोड्रोम का आरजीजीएल खाइए ना भाई, क्या दिक्कत है, आरजीजीएल 360 खा के देखिए, ये दोनों खुला है, खा करके इस तरीके से आप रखिए, और ज्यादा ताकत है तो गेनोड्रोमा इसके अंदर 100% है, आप इसको निकालिए इस तरीके से और जितना मर्जी उतना खा जाइए, क्या दिक्कत है इसको खाने में, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से आप इसका सेवन कहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गेनोड्रोमा लेना है तो हम बच्चों को कोको जी में देंगे, हर व्यक्ति चाहता है अपने बच्चों को स्वस्थ दिखाना, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने आंखों को रोशनी मजबूत रखें, हर व्यक्ति चाहता है हमारे शरीर की एनर्जी बना रहे, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन क्या वो रह पाता है, आज छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, आप उसको कोकोजी दीजिए, कोकोजी के अंदर गेनोड्रोमा का जड़ भाग, कोकोजी के अंदर पॉलीसेकेराइड, कोकोजी के अंदर बहुत ही सुपर फूड जो आप बॉर्नविटा हॉर्लिक्स कॉम्प्लान सेरेलैक्स की तुलना में कई गुना ज्यादा है, गेनोड्रोमा से युक्त कई प्रोडक्ट है, आप उसको सेवन करा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक और प्रोडक्ट का चर्चा कर लूं जो हमारे शरीर के लिए, गेनोड्रोमा के अलावा डीएक्शन का एक प्रोडक्ट गेनोड्रोमा है, गेनोड्रोमा को आप एक प्रोडक्ट मानिए, ये नहीं कि कॉफी को अलग मान लीजिए, टूथपेस्ट को अलग मान लीजिए, साबुन को अलग, नहीं वो गैनोडर्मा बेस वाली प्रोडक्ट है, कोकोनट ऑयल गैनोडर्मा बेस प्रोडक्ट है,
हमारा जैसे साबुन गैनोडर्मा बेस वाली प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट गैनोडर्मा बेस वाली प्रोडक्ट है, और हमारा गैनो मसाज ऑयल गैनोडर्मा पेस्ट वाली है, टू इन वन कॉफी गैनोडर्मा युक्त है। अर्थात इन सारी चीजों को अगर आप लेते हैं तो गैनोडर्मा बॉडी में जाता है, तो कुछ भी लीजिए। लेकिन अब सवाल आता है कि शरीर को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, शरीर को पोषक तत्व कैसे मिलेगा, शरीर को एनर्जी कैसे मिलेगा, शरीर को जो चाहिए वो मिनरल और विटामिन कैसे मिलेगा। तो पता चलता है कि उसके लिए प्रकृति ने अपने आंचल के अंदर, अपने गोद में अद्भुत अनमोल आवरणीय 360 करोड़ वर्ष पुराना, जिसकी शुरुआत जीवन के रूप में हुआ था, उसे संजोग करके रखा था। वो कोई और नहीं, हमारा स्पाइरुलिना। अब स्पाइरुलिना के बारे में अगर हम बात करें तो स्पाइरुलिना है क्या? स्पाइरुलिना एक नीलहरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब इस स्पाइरुलिना को कौन कौन ले सकते हैं, क्या है इसके अंदर, थोड़ी सी गहराई से समझिएगा। मैं स्पाइरुलिना पर बात कर रहा हूँ, जितने भी नए लोगों के, खास करके इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां तक मैं इसे समझता हूँ। ये स्पाइरुलिना को आप स्पाइरुलिना मत समझिएगा, ये दुनिया का सर्वोत्तम आहार है, सुपर फूड है, इसके तुलना में कोई नहीं है, और आने वाले कल का, भविष्य का सुरक्षित भोजन है। आज कोई खाना शुद्ध नहीं है, कोई खाना को हम शुद्ध नहीं रख सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम दूध लेते हैं, अंडा लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं ना, क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, अंडा ले लें गैस बना देगा, दूध ज्यादा ले लें गैस बना देगा, और कोई प्रोटीन ले, दाल बड़ा खा ले तो पेट खराब हो जाएगा, बहुत सारी परेशानी है। लेकिन इसके अंदर भी प्रोटीन है, बहुत करीबी बात है, समझने की जरूरत है। डीएक्सएम का जो स्पाइरुलिना है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 65% है, 1-2% नहीं है। अभी 65% प्रोटीन को पचा पाना बड़ा आसान है, क्यों, बाकी दूध के प्रोटीन, अंडा के प्रोटीन, सोयाबीन के प्रोटीन, दाल के प्रोटीन और इसके प्रोटीन में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि डीएक्सएम स्पाइरुलिना के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है सिंगल सेल का है, एक कोशिकीय होने की वजह से, जिसका लीवर कमजोर है वो भी पचा सकता है, जो भर पेट खाना खाने के बाद आलस सुस्ती के शिकार है वो भी ले सकता है, जिसकी खून की कमियां है वो भी ले सकता है, और जिसको चक्कर आ रहा है वो भी ले सकता है, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता वो भी ले सकता है, हॉस्पिटल से जल्दी से घर आना चाहता वो भी ले सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा कौन सी चीज है जिसके वजह से ये ले सकेगा। हाँ जी, इसके अंदर प्रोटीन की बात आप तो करें तो 65% प्रोटीन है, और ये आसानी से 95% आसानी से सुपचने वाला सुपाच्य है। फैट की बात करें, जो हमारे तंदुरुस्ती को बनाए रखता है, लंबाई के हिसाब से वजन को मेंटेन करता है, इसलिए स्पाइरुलिना खाने से वजन घट भी जाता है, वजन बढ़ भी जाता है। वो कौन सी चीज है भाई? गामा लोलेनिक एसिड, GLA। हाँ जी, ओलिक एसिड और पॉलमिट एसिड, ये तीन चीज चाहिए हमारे शरीर को सुरक्षित रूप में, ये मिलता है इस स्पाइरुलिना के अंदर, कहीं कोई दूसरा फूड में नहीं है। बाजार के अंदर बहुत सारी दवाइयां बड़ी बड़ी हैं, जब हम बीमार पड़ेंगे तो अलग अलग डब्बों में अलग अलग रंग का खाना पड़ता है, लेकिन डीएक्सएन स्पाइरुलिना से ये 5 से 8% सुरक्षित तरीके से हमारे शरीर को मिल जाता है। और जीएलए के बारे में तो ये बताया जाता है कि जब हम बचपन में माँ का दूध पी रहे होते हैं तो माँ के दूध के अंदर जीएलए पाया जाता है, गामा लोलेनिक एसिड पाया जाता है। अब हम तो बचपन में है नहीं, जो भी आज बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे बच्चे पैदा ले रहे हैं जो पैदा होते हुए माँ का दूध नसीब नहीं है, वो डब्बे वाले दूध और बोतल वाले दूध में जी रहे हैं। लेकिन अगर गामा लोलेनिक एसिड के बारे में बात किया जाए तो इस स्पाइरुलिना के अंदर इतना तरीके से पाया जाता है कि हम चाहे जिस भी उम्र के हों, जहां भी रहने वाले हों, इसको लेकर के अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 15% पाया जाता है, जो शरीर को बैलेंस बनाने में मदद करता है। विटामिन की अगर बात करें तो बीटा कैरोटीन, विटामिन ए जो आंखों की रोशनी के लिए सबसे सुपर फूड है, बीटा कैरोटीन जो गाजर में मिलता है, हमारे स्पर्लना में पाया जाता है, विटामिन B1। हाँ जी, विटामिन B1, हाँ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B6, B12, DEKH, नॉनिक और अन्य कई प्रकार की विटामिन, फोलिक एसिड और कई चीज पाए जाते हैं, डाला नहीं गया है। एक चीज के अंदर इतना सारा चीज,
इसके अलावा मिनरल्स की बात अगर करें, 8% मिनरल्स इस स्पर्लोना के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल में आता है आयरन, जिस आयरन को हम लोग कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र से जाकर के आयरन की गोली में लेते हैं, कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से आयरन लेते हैं, लेकिन इसके अंदर आयरन पाया जाता है। उतना समय नहीं कि मैं डिक्लेयर करूं कि कहां कहां से आयरन लेते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, सिलेनियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, सब इसके अंदर पाया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, आयरन इसके अंदर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, सोडियम, आयोडीन, ये सभी एक जगह पर मिलता है। अलग अलग जगहों से अगर लेने जाएंगे तो अलग अलग तरीके का गोलियां खानी पड़ेगी, अलग अलग दवाइयां लेना पड़ेगा, लेकिन अगर चाय पी के स्पर्लुना को दबा के ले लिया, सब मिल जाएगा दोस्त, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा पेट, हमारा शरीर भात रोटी चावल दाल से संतुष्ट हुआ, और हमारा एक एक सेल इससे संतुष्ट होगा। क्या समझिए, एक एक बहनों को, एक एक माताओं को, एक एक बच्चों को, एक एक गार्जियंस को इसकी देने की जरूरत है कि नहीं? इसके अलावा इसके अंदर नेचुरल पिगमेंट, जिसको हम अलग से लेने की जरूरत है, जो फल के जूस से लेते हैं और कई जगहों से लेते हैं, वो फाइसोसीन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, बीटा कैरोटीन, ये सब इसके अंदर पाया जाता है दोस्त। अगर एक जगह पर इतना सारा कुछ मिलता, आप कहते हैं स्पार्लोना की टेबलेट महंगा है, अरे यार 10 रुपए गोली भी होगा तो इसके तुलना में कहीं कोई है ही नहीं, ये सोना है सोना। आप रोल्ड गोल्ड को खरीदने चले हैं और सोना के रोल्ड गोल्ड के भाव को जानते हैं और सोना खरीदने चले हैं, लेकिन धन्य है हमारे महान दातो डॉक्टर लीम सियोजिन, जिन्होंने इतना खूबसूरत चीजों को बुना करके एक आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश किया। आज तो मैं गर्व से कहता हूं कि अगर डिएक्शन जैसे सिस्टम ना होता तो इतना खूबसूरत चीज आज नसीब में भी नहीं होता, और ये नसीब जिसका होता है ना, ऊपर लिखा हुआ, उसी को ये समझ में भी आता है। इसके नसीब में नहीं लिखा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है, लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि जान तो गया लेकिन नसीब में नहीं है। नसीब में तभी तो ये आप खा सकेंगे, नहीं तो समझाते समझाते थक जाइए, नीचे का पसीना ऊपर चढ़ जाएगा, वो समझेगा नहीं। दोस्तों इस स्पर्लुना के बारे में अगर बात हम करें, तो इसका 6 कैप्सूल अगर हम ले लें तो 2.4 mg विटामिन ए मिल जाता है। जी हाँ, अर्थात एमजी की बात करें, 2.4 mg, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर 33 किलो सेव हम खाते हैं, 1 किलो सेव रोज, तो 1 महीना में जब खाएंगे 1 किलो रोज, तब हमको 2.4 mg एस्पार्लोना मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। लेकिन इस एस्पार्लोना का 6 कैप्सूल अगर हम ले लेते हैं तो 2.4 mg एस्पार्लोना मिल जाएगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि विटामिन ए के लिए कहीं जाने की जरूरत है, फिर हम क्यों घूम रहे हैं इधर उधर दौड़ते हुए? अरे खा के देखिए, आंख पर चश्मा नहीं चढ़ने देगा। 1 kg मटर अगर आप लेते हैं, उसके अंदर जो विटामिन पाया जाता है, वो हमारा 6 कैप्सूल एस्पार्लोना मिल जाएगा। 1 किलो मटर खा पाना संभव है? खा पाएंगे, पचा पाएंगे? लेकिन इस एस्पार्लोना को खा पाना संभव है, पचा पाना? 11 किलो गोभी शुद्ध वाली, उतना विटामिन ए इसके अंदर पाया जाता है। टमाटर के 900 ग्राम आप खाएंगे ना अकेले एक आदमी, उतना ही अकेले एक विटामिन देने वाला है। चिकन 1.6 ग्राम अगर आप खाते हैं ना, उतना है ताकत पचाने का। अब उतना चीज खाइएगा तो कितना पैसा लगेगा आप जोड़ लीजिए, लेकिन इसका 6 कैप्सूल अगर 5 रुपए भी जोड़ते हैं तो 30 रुपया। पर भैया 30 किलो में, 30 रुपया में तो आधा किलो सेव भी नहीं होगा, आप जरा सा अंदाजा लगा सकते हैं। आप कहते हैं बड़ा महंगा है, जी नहीं, ये सबसे खूबसूरत लोगों को मिला है। इसके अंदर ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने की ताकत है, बॉडी को डिटॉक्सिफायर करता है, कोई कोई कमजोरियां नहीं है, कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इतनी खूबसूरत चीज मिला है। इसीलिए वैज्ञानिक आज नासा में इसी को लेकर के जाते हैं, इसीलिए अंतरिक्ष वालों भी इस स्पर्लोना को खोज करते हैं, और 1 किलो स्पर्लोना 1000 किलो विभिन्न प्रकार के शुद्ध और फल सब्जी की ताकत देता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ताकत इस स्पर्लोना के अंदर पाया जाता है। आप समझते हैं कि स्पर्लोना ऐसे ही है? जी नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में ये स्पर्लुना जाता है। आप क्वालिटी का अंदाजा इसी से लगा लीजिए, बराक ओबामा के दादी इस स्पर्लुना को खाती है। अगर समझ में नहीं आता है तो मामा सारा ओबामा से पूछ लीजिए कि आप कौन स्पर्लुना खाते हैं। हम तो, आप तो खुश नसीब हैं कि जो राष्ट्रपति के घर यूज हो रहा है, हमें और आपको स्पर्लुना मिल रहा है। और अगर हम बातें करें इस स्पर्लुना की, तो
भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, गर्म पानी में ले सकते हैं, ठंडा पानी में ले सकते हैं। आप जरा सा अंदाजा लगाइए, समय खत्म हो गया है, कि क्या इसकी जरूरत हर घर में है कि नहीं? एक एक बच्चों को इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक एक घर की महिलाओं को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमें खुद ब खुद कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि इस अस्पारुना को अगर मैं खाऊं, लोगों को खिलाऊं, और केवल एक चाय और एक अस्पारुना का कस्टमर रोज बनाऊं, कंज्यूमर बनाऊं, क्या इसमें कोई रिस्क लेने की जरूरत है? क्या कोई डॉक्टर बनने की जरूरत है? क्या कोई कंप्लेन आने की जरूरत है? कोई इसका साइड इफेक्ट है? अगर मैं कहता हूं केवल चाय अस्पारुना का ढंग से आप ज्ञान ले लें और रोज चार होम मीटिंग करें केवल चाय अस्पारुना से डेली, तो मैं कहता हूं चाय अस्पारुना से एक अस्पारुना में 500 पीवी, एक एक चाय में 135 पीवी, टोटल 635 पीवी। अगर 600 पीवी के हिसाब से जोड़ लेंगे तो 10 सेट अगर आप निकाल दिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना पीवी कितना हो सकता है केवल चाय अस्पारुना से। ज्यादा कुछ नहीं करिए दोस्त, दो चीज में मास्टरी हासिल करिए। अरे पहले अपने अपने फील्ड के पक्का खिलाड़ी तो बनिए, होम मीटिंग करना तो सीखिए, बाकी चीज को हटाइए, वो आ जाएगा। जब आप बनेंगे रूबी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, तो बाकी चीज पर कब्जा कीजिएगा। दो चीज को बता करके पूरे फील्ड में कब्जा किया जा सकता है और अपने जीवन को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। आज हमारा डीएक्सएम प्रोडक्ट इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट है, किसकी चर्चा हम करूं, तो जितना कहूं कम है, समय कम पड़ जाता है। और मैं माफी चाहता हूं आप सब लोगों से, टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा लेट से जुड़ा था, तो समय अब समाप्त हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी भाइयों और बहनों से, जो लोग मेरी बात को सुने हैं, अगर आज लगता है कि मैं इसका कंज्यूम करूं, तो केवल कंज्यूम ही नहीं करें दोस्त, बल्कि लोगों को कंज्यूमर बनाएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा घरों तक अस्पारुना और चाय और डीएक्सएम प्रोडक्ट पहुंचा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से दुआ प्राप्त करें और अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करें। और आज जो कुछ भी अच्छा लगा होगा, इन बातों को जीवन में लागू कीजिए, और जो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा अपने अपलाइन से पूछिएगा, और जो कुछ भी है इसके लिए आपको मेरे इतना देर तक बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, फिर कभी अगले बार मौका मिलेगा तो बात करूंगा। तो इसी के साथ थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज की इस मीटिंग में बहुत सारी जानकारी, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारी और बहुत ही अच्छा जानकारी दी है हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी श्रोता हैं हमारे इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए। उम्मीद है कि आप सभी इसका लाभ लेंगे, अपने ग्रुप के साथ इसको साझा करेंगे, और ये जो मीटिंग है इसको अपने ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आज इस मीटिंग में आए, और पंकज सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे समक्ष आए हैं। बहुत कम समय में आपने अपना शेड्यूल में से हमको अपना समय दिया, सो आपका आपका बहुत बहुत आभार सर, और मिलते हैं कल ठीक 12 बजे इसी चैनल पे नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू।